सभी देशवासियों को चित्रकूट त्रिपाठी का प्यार भरा नमस्कार। सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार की ओर से आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले हमेशा की तरह वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, गेस करें हीट के बाद में कौन सा टॉपिक हो सकता है। हीट के बाद में हमारा जो टॉपिक है वो यांत्रिक ऊर्जा। हालांकि ऊर्जा होना चाहिए था टॉपिक, बट मैंने ऊर्जा के टॉपिक को दो भागों में बांट दिया है। तो पहला वाला भाग जो है वो है हमारा मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा। तो सबसे पहले ऊर्जा से ही शुरुआत करते हैं इसकी। ऊर्जा, ऊर्जा किसको कहते हैं भाई? कार्य करने की जो एक तो होती है दर और एक होती है क्षमता। कार्य करने की दर तो शक्ति कहलाती है, यानी कि प्रति सेकंड कितना कार्य हुआ वो तो शक्ति में आ जाता है, परंतु कार्य करने की जो क्षमता होती है वही ऊर्जा होती है। यहीं से शुरुआत करते हैं। ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसको उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा को एक से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। एक उदाहरण के बाद बताऊंगा पूरी की पूरी कहानी कहाँ जाती है। देखिए, ये उदाहरण कुछ मैंने अपने दिमाग से बनाया है, आप लोग भी इस उदाहरण को महसूस कर सकते हैं। आप कभी सोचना, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वो सिर्फ एक से दूसरे रूप में बदलती रहती। इस बात को हम ऐसे देखते हैं। देखिए, सूरज की ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा के रूप में आती है। जब प्रकाश ऊर्जा के रूप में महासागरों में पड़ती है तो पानी वाष्प बनकर ऊपर उठता है। ऊपर उठता है तो देखिए धीरे 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 ऊपर चला जाता है। ऊपर जाते हैं, आपको पता है कि जैसे कोई वस्तु ऊपर जाएगी, है ना, h ऊंचाई तय करेगी, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध तो कार्य करना पड़ेगा। तो भाई ऊष्मा जो ऊर्जा आई, प्रकाश ऊर्जा, उसने कार्य किया। कार्य करने के बाद धीरे धीरे ये ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद में ये बादल में कन्वर्ट हुआ या आगे जाके ग्लेशियर में कन्वर्ट हुआ। इस बादल या ग्लेशियर ने फिर नदियों का निर्माण किया। नदियों से हमने बांध का निर्माण किया। आप देखिए, वही ऊष्मा है, वही ऊर्जा है। उस बांध से स्थितिज ऊर्जा वापस टर्बाइन में आई और टर्बाइन घूमा तो हमें बिजली मिल गई। कहने का तात्पर्य ये है कि ऊष्मा केवल एक से दूसरे रूप में बदलती है। आप ना तो उसको नष्ट कर सकते हैं, ना ही ऊष्मा को उत्पन्न कर सकते हैं। हाँ, ऊष्मा की हानि जरूर हो सकती है, अर्थात वो उसका कुछ हिस्सा निकल कर कहीं और जा सकता है। हीट के रूप में, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि हो सकती है। वैसे भी बहुत सी चीज़ों में घर्षण वगैरह है, बल है, ये इन चीज़ों में भी उसके कारण मतलब कि हीट प्रोड्यूस होती है और उसकी वजह से ऊष्मा की ऊर्जा की हानि होती है। और जैसे मान लो ऊपर से कोई चीज़ नीचे गिरती है तो कुछ उसका हिस्सा ध्वनि के रूप में भी नष्ट हो जाता है, टकराने की वजह से, टक्कर की वजह से कुछ विकृति पैदा हो जाती है। तो ये सारे ऊष्मा की हानि है ना, मतलब एक से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो ये टेक्निकली हम विज्ञान में यूज़ करते हैं ऊष्मा ऊर्जा की हानि ऊष्मा के रूप में, या ऊर्जा की हानि शब्द, हानि में लॉस, आपके पास से चली गई, नष्ट नहीं होती। ये नहीं कि वो उसका टुकड़ा गायब हो गया हमेशा के लिए, ना, उसका वो जो हिस्सा है वो किसी और रूप में कन्वर्ट हो गया होगा। ऊष्मा के रूप में हो सकता है, किसी अन्य रूप में हो सकता है, है ना। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम यही तो कहता है, एक हिस्सा कार्य करता है, दूसरा हिस्सा उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कर दे। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, है ना। आज का टॉपिक मैकेनिकल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब हुआ किसी यंत्र में छिपी हुई कुल ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। क्या बोला मैंने? किसी यंत्र की ऊर्जा, उसमें जो विद्यमान संपूर्ण ऊर्जा है। अब मैं आप कहोगे कि मार्कर क्यों दिखा रहा हूँ, तो भाई मार्कर भी तो यंत्र है। हर एक पिंड, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसमें एक ऊर्जा छुपी हुई रहती है। उस ऊर्जा को ही हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अब ये मार्कर, अगर मैं इसको नीचे, अभी तो मैंने इसको हाथ में पकड़ रखा है, इसका मतलब इसकी स्थिति की वजह से इसकी कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में, अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो ये नीचे गिर जाएगा। नीचे गिर जाएगा तो इसकी संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाएगी? गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। अर्थात यंत्र में विद्यमान कुल ऊर्जा, किसी भी वस्तु में विद्यमान कुल ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। यांत्रिक ऊर्जा के दो भाग होते हैं, वस्तु की स्थिति, उसकी बनावट, उसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, उसके स्थिर होने की वजह से, उसके भार की वजह से, द्रव्यमान की वजह से, उसमें जो भी ऊर्जा निहित होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। कुछ लोग इसको पोटेंशियल एनर्जी PE से लिखते हैं, कुछ लोग इसको U से लिखते हैं, एक ही बात है, ठीक है। प्लस दूसरी जो ऊर्जा होती है वो इसकी गतिज ऊर्जा होती है, वस्तु की गति के कारण उसमें जो भी ऊर्जा, गति की वजह से, ध्यान रखना, गति की वजह से, mv², ये इसका सूत्र होता है, कुछ लोग इसको KE यानी काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो कुल यांत्रिक ऊर्जा
पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के योग के बराबर होती है। तो अब देखिए समझना, इन जरूरी नहीं है कि दोनों बराबर बराबर हो। जब वस्तु स्थिर रहती है तो उसकी ये काइनेटिक एनर्जी यानी कि स्थिति जो ऊर्जा सॉरी गतिज ऊर्जा जो है वो शून्य हो जाती है, क्योंकि वी शून्य हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये गायब हो गई, इसका मतलब इसकी संपूर्ण ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित है। इसको यूं समझिए, आपके पास मान लीजिए 100 जूल है, तो ये 100 जूल अगर वस्तु स्थिर है तो ये जो 100 जूल ऊर्जा है ना, ये ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी यानी यू के रूप में होगी। और मान लो ये थोड़ी सी गतिशील हो जाती है, स्पीड इसकी हल्की सी है, गतिशील हो जाती है, तो मान लो 80 जूल तो इसमें काइनेटिक सॉरी पोटेंशियल एनर्जी बनी, और 20 जूल जो है ये जो भी ऊर्जा में इसमें कमी आई है वो किस रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में है ना, 20 जूल। अब मान लो ये क्या हो जाएगा, बाद में स्थिर हो जाएगा तो फिर इतना हो जाएगा। तो ऊर्जा जो होती है ना वो उतनी रहती है, ऊर्जा कभी बदलती, मतलब ऊर्जा कभी ना तो नष्ट होती है ना ही उत्पन्न होती है। संपूर्ण ऊर्जा या तो इसकी गतिज ऊर्जा के रूप में होगी या इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में होगी, ठीक है, या दोनों के योगफल के रूप में होगी। भाई सिंपल, एक चीज़ जीरो हो जाएगी तो संपूर्ण ऊर्जा दूसरे की तरह ही हो जाएगी। इस बात को हम अंत में सिद्ध भी करेंगे। ये सिद्ध करने वाला हिसाब 10th क्लास ICSE और 11th क्लास CBSE के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, जो मैं बाद में बताऊंगा। आप लोग देखना, हम इसको सिद्ध कर देंगे कि हर एक जगह पर ऊष्मा का मान समान सॉरी ऊर्जा का मान समान होता है यांत्रिक ऊर्जा का। पहले देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी U। पोटेंशियल एनर्जी होता है MgH, ये इसका सामान्य सा सूत्र है। M का मतलब द्रव्यमान, G का मतलब गुरुत्वीय त्वरण जो अमूमन 10 ले सकते हैं हम, और H का मतलब क्या होता है, हाइट यानी ऊंचाई। जैसे जैसे वस्तु की ऊंचाई बढ़ती है उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ने लगती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। एक छोटा सा प्रैक्टिकल देखते हैं। एक प्यारा सा कुल्हड़ है ना, इस कुल्हड़ पे 2 किलो के ईंट रखी हुई है हमने, जरा सुनना ध्यान से, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। ये कुछ ऊंचाई है इसकी, भाई हमें नहीं पता, लेकिन क्या है ना कि आप देखिए इसको ध्यान से, ये ईंट है 2 किलोग्राम की है, 2 kg की ईंट है, और इसके ऊपर मान लो ये 1 मीटर की ऊंचाई पे ये कुल्हड़ है मिट्टी का, और इसके ऊपर ये स्थित है। अभी इसके अंदर संपूर्ण ऊर्जा कितनी होगी, अभी इसके अंदर संपूर्ण ऊर्जा कितनी होगी MgH के हिसाब से, देखो इसका द्रव्यमान 2 हो गया, गुणा इसका जो गुरुत्वीय त्वरण है वो 10 हो गया, गुणा इसकी जो ऊंचाई है वो 1 हो गई, तो इस हिसाब से तो कितना हो गया, 20 जूल इसकी ऊर्जा हो गई। अब मान लो इसको हम 9 मीटर ऊंचा, ध्यान देना 9 मीटर ऊंचा ले जाते हैं यहाँ पर, और अब इसको छोड़ देते हैं। अब देखो 9 मीटर ऊंचा लेंगे तो अब इसमें कितनी ऊर्जा होगी, देखो अब 9 मीटर तो एक तो ये रहा, 9 ये रहा, 10 हो गए ना, तो अब इसकी कुल ऊर्जा कितनी होगी, 2 × 10 तो गुरुत्वीय त्वरण और इनटू ऊंचाई भी आपकी 10 हो गई, अर्थात कितनी होगी 200 जूल। आप देखो 190 जूल अधिक हो गई, क्योंकि हम इसको ऊंचाई पे लेके ले कैसे गए, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करके। सवाल है ये, हमने उठाया गुरुत्वाकर्षण, इसको नीचे खींच रहा था, हमने कहा नहीं नहीं नीचे मत खींच, इसको ऊपर जाने दे, तो हमने कष्ट किया, हमने थोड़ा सा क्या किया, कार्य किया। अब आपको पता है कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, विस्थापन बल की दिशा में होना चाहिए, तो फिर बल तो नीचे लग रहा है, विस्थापन ऊपर हो रहा है, उल्टा विस्थापन हो रहा है ना, तो विस्थापन बल के विरुद्ध हो रहा है, तो फिर किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, तो जो भी ऋणात्मक कार्य है वो इसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। देख लो 20 जूल वाले में अब की ऊर्जा होगी 200 जूल। अब यहाँ अगर आप इसको छोड़ दोगे ना, तो ये जो 190 जूल था वो यहाँ तक आएगा, तो वो 190 जूल इस कुल्हड़ को मिल जाएगा, और ऊपर से छोड़ते ही ये कुल्हड़ टूट जाएगा। बढ़िया सा प्रश्न बनता है कि एक मिट्टी के कुल्हड़ पर एक ईंट रखने से वह नहीं टूटता, परंतु थोड़ा ऊंचा उठाकर छोड़ देने पर टूट जाता है, इसका मूल कारण क्या है? तो इसका मूल कारण है बढ़ी हुई स्थितिज ऊर्जा। इसका मूल कारण क्या है? किया गया ऋणात्मक कार्य, जो उसमें संचित, जो उसमें ऊष्मा सॉरी गति स्थितिज ऊर्जा के रूप में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो गया है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, ये चीज़ टूट गई। कहने का मतलब, जो चीज़ जितनी ऊंचाई पे जाती है उसकी ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा होती है। इस बात को ज़रा और गहराई से समझिए कि जब ओले पड़ते हैं, आप देखो बादल कितना ऊंचाई पे है, मतलब वो एच का तो मान भी बहुत ज़्यादा होगा, इतना सा छोटा सा टुकड़ा कुछ ग्राम का, मेरे ख्याल से 2-4 ग्राम का, इतना सा टुकड़ा जब ऊपर से पड़ता है नीचे, तो आप देखिए बड़े बड़े जो लोहे के पत्थर है ना, जो सीमेंट चद्दर वगैरह है या टंकी ऊपर रखी हुई थी इतनी मजबूत प्लास्टिक की टंकी, वो उतने से टूट जाती है। कारण उतनी ऊंचाई से नीचे आ रहा, अब आप सोचिए उसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी,
इतनी ऊंचाई तक चाहे वो भाप के रूप में ही गया, लेकिन अब पहुंच गया ना, तो उसमें कुल ऊर्जा तो उतनी होगी, और वो अब एक बट्टे के रूप में, एक छोटे से क्या कहते हैं ओले के रूप में, वो इतनी तेजी से आता है, कभी कभी तो आदमी के लगता है तो हालत ख़राब हो जाती है। इतना अगर वो इतने से इतना बड़ा हो जाए, सोचो, और वो लग जाए तो देखो कितनी हालत ख़राब होगी। तो वो ऊष्मा, उसमें वो जो ऊर्जा है, वो जैसे जैसे वस्तु है ऊंचाई बढ़ती रहती है, वो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उसमें वो कार्य उतना संचित होता रहता है। इसको आप यूँ देखिए, मान लो बाहर कोई जानवर हो है, और हम एक छोटे से बट्टे को अपनी 3-4 मंजिला मकान पे ले गए, और वहाँ से आप उस बट्टे को गिराओ, वो जो छोटा सा जानवर कुत्ता या बिल्ली जो भी होगा, उसके लगेगी कि नहीं लगेगी? थोड़ी सी लगेगी, हल्की सी, क्योंकि उसमें तो छोटा सा, उसका द्रव्यमान ही कम है। लेकिन अगर आप इतना बड़ा पत्थर उठा के ले जाओ, तो सोचो कितना कितना नुकसान हो जाएगा। सोचने वाली बात है, कितना नुकसान, क्योंकि आप पहली बात तो उसको ले गए तो इतना कार्य करना पड़ा। एक छोटे से बट्टे को ले जाने में तो थोड़ा सा कार्य करना होता है, लेकिन एक बड़े बट्टे को ले जाने में तो बहुत बड़ा कार्य करना होगा ना, एकदम हालत ख़राब हो जाएगी। 4-5 लोग मिल के लेके जाएंगे, और उतनी ऊंचाई से जब उसको नीचे गिरा जाएगा, तो सोचो कितनी ऊर्जा का ट्रांसफ़र होगा। तो जैसे जैसे वस्तु ऊंचाई पर पहुंचती है, उसकी संपूर्ण ऊर्जा, मतलब उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, ये बात ध्यान रखना। अब आपको वृद्धि कहाँ से हुई है? क्यों? क्योंकि उसमें कार्य किया ना हमने ऊपर ले जाने में, तो वो कार्य उसमें संचित होता रहता है। इसके बड़े सारे उदाहरण हैं, बड़े सारे। आप किसी वस्तु पे कार्य करते रहोगे, वो उसकी स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होता रहेगा। चाबी वाली घड़ी पुराने जमाने की याद करो आप लोग, चाबी वाली घड़ी में जब अपनी चाबी भरते थे तो चाबी भरते थे, भरते भरते भरते, मतलब कार्य कर रहे हैं ना, घुमा रहे हैं उसको, भरते उसका फनल एकदम कस जाता था। अब वो फनल खुलने की कोशिश करता था, यानी आपने जितनी उसमें ऊर्जा दी, वो ऊर्जा उसमें संचित होगी फनल के रूप में, यानी उसमें वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित है। अब वो स्थितिज ऊर्जा उसको गति प्रदान करती रहेगी, करती रहेगी, करती रहेगी, और वो चीज़ आराम से 24 घंटे काम करती रहेगी, यानी कि उसकी सुई चलती रहेगी, उसमें जो हेरी एंटर और जो वो जो यू नो लीवर वगैरह जो होते हैं, वो घूमते रहेंगे। यानी वही स्थितिज ऊर्जा जो हमने कार्य के रूप में उस पर संचित की है, वो धीरे धीरे गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होती रहती है। इस चीज़ को हम प्रूव भी कर सकते हैं। भाई मैंने मेन चीज़, तो आज का जो क्लास का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि इस सिद्ध कीजिए। अब यहाँ तक तो कंपटीशन एग्जाम में बड़े सारे प्रश्न आते हैं, लास्ट में मैं 2-3 प्रश्न भी पूछूंगा, बने रहिए हमारे साथ। तो अब ये जो है ना, एक चीज़ और बता दूं मैं आप लोगों को, पहले तो एक छोटा सा प्रश्न हो जाए, एक शानदार सा, उसके बाद मैं उसको बताऊंगा। इसका उत्तर आप लोग देखते हैं सबसे ज़्यादा जल्दी कौन देता है, जो जल्दी देगा वो आज का विनर कहलाएगा। सवाल है, एक चाबी वाली घड़ी में कौन सी ऊर्जा, एक चाबी वाली घड़ी में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है? 4 ऑप्शन है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, दूसरा है मतलब एक है स्थितिज ऊर्जा, एक है गतिज ऊर्जा, और तीसरा ऑप्शन उपरोक्त दोनों, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही है एकदम, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है भाई, बाद में वो गतिज में करना, संचित किस रूप में होता है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। एक और सवाल, हाइड्रो पावर प्लांट में बांध के अंदर पानी की कौन सी ऊर्जा संचित होती है? वो ठहरा हुआ पानी है ना, तो आप बताइए कौन सी ऊर्जा संचित होगी, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, या पहले तो स्थितिज ऊर्जा फिर गतिज ऊर्जा, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं, आप बताइए कौन सी होगी? बिल्कुल नेचुरल सी बात है, स्थिति ऊर्जा ही होगी। इसीलिए तो देखो जितनी ऊंचाई, इसीलिए तो बांध की दीवारों को ऊंचा बनाया जाता है। देखो जितना ऊंचा बनाया जाएगा उसमें पानी उतनी ऊंचाई तक स्थित होगा, और उतनी ऊंचाई तक स्थित होगा तो सोचो उसमें कितनी स्थिति ऊर्जा संचित होगी, जो बाद में जैसे ही पानी को खोला जाता है वो बहुत फुल स्पीड में पानी, यानी कि वही ऊंचाई पर जो स्थिति ऊर्जा है वही बाद में गति ऊर्जा में कन्वर्ट होकर डायनेमो को घुमा देती है, यानी कि जो विद्युत जनित्र को घुमा देती है। और देखिए कितने लोगों का घर रोशन होता है बिजली से, देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बिजली, और जो ग्रीन बिजली जिसको अपने लोग बोलते हैं, जिस जो इको फ्रेंडली होती है, वो सबसे ज़्यादा जो बिजली है वो हाइड्रो पावर प्लांट से बनती है। ठीक है, तो वैसे तो बाकी थर्मल पावर प्लांट और दूसरे से भी बनती है, वो भी एनर्जी के ट्रांसफर ही हैं, तीन अपना बेसिक है ना, आप सब लोगों को पता, हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट जो कई जगह है जहाँ पे कोयला वगैरह ज़्यादा होता है तो उसके भाप से, अच्छा, और एक है न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर एनर्जी से, हम न्यूक्लियर एनर्जी से पानी को गर्म करते हैं ड्यूटेरियल वाटर का, और फिर उसके बाद में, तो ये तीन तरीके हैं। तो उनमें से जो पहला तरीका है उसमें ऊर्जा पानी की स्थिति ऊर्जा को ही कन्वर्ट, ठीक है। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब मान लीजिए ये मल्टी फ्लोरर बिल्डिंग है, इस पे एक बट्टा यानी एक पत्थर रखा हुआ है, इसकी संपूर्ण ऊर्जा देखते हैं कितनी है। मैं आपको सिद्ध कर दूंगा कि इसकी संपूर्ण ऊर्जा में कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है, सारी की सारी ऊर्जा हमेशा एक ही रूप में संचित होती है। हम इसको देखेंगे आज 2-3 मिनट में, ये अच्छे से क्लियर करेंगे। ये वस्तु है, ये m द्रव्यमान की वस्तु है और h ऊंचाई पर स्थित है,
ठीक है, और इसका गुरुत्वाकर्षण जो त्वरण है वो जी है। तो अब इसका संपूर्ण जो ऊर्जा है, आप सब लोगों को पता है संपूर्ण ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। ठीक है, अब आप देखिए ऊपर स्थिर है ना, तो इसका प्रारंभिक वेग तो शून्य है, प्रारंभिक वेग शून्य है तो इसकी इस गतिज ऊर्जा क्या होगी, शून्य हो जाएगी, यानी कि इसकी कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा यू किसके रूप में होगी, एम जी एच के रूप में होगी, क्योंकि एच ऊंचाई पर स्थित है ना, इसे हम एक नंबर समीकरण मान के छोड़ देते हैं। अब देखिए, अब इस पत्थर को हम ऊपर से अलाउ करते हैं नीचे आने के लिए, मतलब छोड़ देते हैं, नीचे आ रहा है छोड़ देते हैं, मान लो ये बीच में हवा में यहां पे आ गया, इसने यहां से यहां तक x दूरी तय कर ली, तो फिर ये कितनी दूरी बची, ये दूरी तो h माइनस एक्स बची ना, सोचने वाली बात है, h माइनस एक्स, क्योंकि h में से x गया, यही दूरी बची h माइनस एक्स। अब इस जगह पर इसकी कुल ऊर्जा क्या होगी, हम जानते हैं इसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा के बराबर होगी, हम सब जानते हैं गतिज ऊर्जा कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो इसका मतलब इसकी कुल ऊर्जा किसके बराबर होगी, यू, यू कितना हो जाएगा, एम जी और दूरी, अब तो यहां बट्टा स्थित है ना, तो फिर ये दूरी ली जाएगी एच माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा एच माइनस एक्स, देखिए ध्यान से, प्लस उसके बाद में क्या हो जाएगा देखते रहे, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, ये इसकी संपूर्ण ऊर्जा होगी। अब देखना ध्यान से, समान त्वरित गति की तृतीय समीकरण लगाते हैं, तृतीय समीकरण कहता है वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस टू ए एस, जरा ध्यान से देखना, वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर, प्रारंभिक वेग तो शून्य है, इसका मतलब ये शून्य हो जाएगा, ठीक है, दो गुणा, अब त्वरण क्या है, त्वरण किसके बराबर है, त्वरण जी के बराबर है, त्वरण किसके बराबर है, जी, और ऊंचाई कितनी इसने कवर की है, देखिए विस्थापन कितना हुआ, एक्स विस्थापन हुआ, तो इसका मतलब ये एक्स हो गया, यानी वी स्केयर की वैल्यू क्या है, टू जी एक्स, ये वैल्यू हम वी स्केयर की जगह रख देते हैं, ठीक है, ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू कितनी, मैं अलग से लिख देता हूँ, वी स्केयर इज इक्वल टू टू जी एक्स, ये वैल्यू हम वी की जगह पुट करेंगे, देखिए हमारे पास कितना होता है, ई बराबर एम जी और ये एच माइनस एम जी एक्स प्लस एक बटा दो एम, वी स्केयर की वैल्यू पुट करते टू जी एक्स, टू जी एक्स, दो से दो कट गया, अब देखिए माइनस का एम जी एक्स प्लस के एम जी एक्स से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कुल ऊर्जा बीच में कितनी प्राप्त हुई, एम जी एच, इसे समीकरण नंबर दो मान के छोड़ देते हैं, देखो पहली समीकरण में कुल ऊर्जा एम जी एच यहां सेव थी, पूरी थी, यहां पर भी तो कुल ऊर्जा एम जी एच के रूप में प्राप्त होगी, अब नीचे जाने देते हैं इसको, अब ये बट्टा नीचे चला गया, ये लो धड़ाम से गिर गया, गिर गया, गिर गया, तो इसका मतलब इसका एच तो शून्य हो गया, एच शून्य हो गया, तो कुल ऊर्जा जो है वो एक तो यू तो जीरो हो गया, जो सॉरी यू नहीं, ये बड़ा वाला यू, अर्थात पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगी, लेकिन संपूर्ण ऊर्जा हाफ एम वी स्केयर के बराबर होगी, यहाँ भी समान त्वरित गति की द्वितीय समीकरण लगा देते हैं, तो वी स्केयर बराबर कितना हो जाएगा, यू स्केयर तो जीरो था ही हमारा, है ना, यू पहले लिख देता हूँ, यू स्केयर प्लस टू ए एस, अब देखिए यू स्केयर तो हमारा शून्य हो गया, क्योंकि यू तो प्रारंभिक वेग तो शून्य है, अच्छा टू इंटू गुरुत्वाकर्षण त्वरण लग रहा है, तो एक ही जगह जी हो जाएगा, और एच x मतलब s, s का मतलब क्या, विस्थापन, विस्थापन कितना हुआ, h पूरा विस्थापन हुआ, तो ये हो जाएगा h, यानी v स्क्वायर की वैल्यू है 2gh, ये वैल्यू यहां v स्क्वायर की जगह पुट कर देते हैं, मैं अलग से लिख देता हूं, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ये वैल्यू हम यहां पे पुट कर देते हैं, तो हमारे पास कुल e बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटा 2 m 2gh, 2gh, 2 से 2 कट जाएगा, संपूर्ण ऊर्जा e बराबर कितनी प्राप्त हो जाएगी, mgh, तीसरी समीकरण में मिल गई, इसका मतलब वस्तु चाहे h ऊंचाई पर स्थित हो तो भी उसकी संपूर्ण ऊर्जा mgh के रूप में होती है, वस्तु चाहे बीच में हवा में हो तो भी उसकी संपूर्ण ऊर्जा mgh के रूप में होती है, और अगर वस्तु चाहे नीचे पहुंच जाए, धड़ाम से गिर जाए, तो भी उसकी संपूर्ण ऊर्जा mgh के रूप में होती है, इस बात से यह सिद्ध हो जाता है कि वस्तु की संपूर्ण ऊर्जा ना तो आप उसका इत्तू सा हिस्सा नष्ट कर सकते हैं, ना ही आप उसका इतना सा हिस्सा बढ़ा सकते हैं, वो तो भैया जितनी है उतनी ही रहेगी, उसका तो कुछ हो नहीं सकता, हाँ उसको अब ऊपर से नीचे धड़ाम से गिर रही है तो आवाज़ भी आ रही है, इसका मतलब उस ऊर्जा का कुछ हिस्सा ध्वनि ऊर्जा के रूप में नष्ट हो रहा है, कुछ हिस्सा टक्कर की वजह से, है ना, और संपूर्ण बाकी की उसमें जो चीज़ है ना, वो किस में हो जाएगी, संपूर्ण ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब जो है वो शून्य होके अंत में, तो कई बार प्रश्न आ जाता है कि भाई गिरने से पूर्व, जस्ट गिर गया तब तो खत्म, गिरने से पूर्व उसकी एक सेकंड पहले उसकी जो संपूर्ण ऊर्जा है ना वो गतिज ऊर्जा के रूप में होगी, स्थितिज ऊर्जा, जैसे ही धड़ाम से नीचे गिरी, गिरने के बाद कुछ हिस्सा का हानि हो गया, इधर उधर चला, बाकी हिस्सा गिरने के पश्चात, वस्तु के गिरने के पश्चात उसकी संपूर्ण ऊर्जा पुनः स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित है, जो भी है, अब उसको उठाओ,
जैसे उठा के लेके जाओगे, जब तक वो वस्तु स्थिर रहेगी, चाहे नीचे स्थिर है चाहे ऊपर स्थिर है, उसकी संपूर्ण ऊर्जा mgh के रूप में ही रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ था। यानी हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये जितना हिस्सा काइनेटिक एनर्जी वो गया, ऐसा नहीं है, वो इसी में मिल जाता है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अब एक विशेष स्थिति है जिसके बारे में बहुत से बच्चों ने कहा था कि भाई ऋणात्मक स्थिति ऊर्जा के बारे में चर्चा करेंगे, तो वो अपने अगली क्लास में करेंगे। आप लोग कहीं मत जाइएगा, अगली क्लास ज़रूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि मैं एक विशेष स्थिति के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इसके बारे में आपको बुक्स में बहुत ही कम लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनों की और दूसरी, ये थोड़ा डीप हो जाएगा। सिर्फ 10 मिनट का है अगली बार का क्लास का जो सेशन है। तो फिलहाल तो मैं इसमें इतना ही बताऊंगा कि संपूर्ण ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है, आप कार्य करके उसको बढ़ा सकते हैं। आज का सेशन मैं यहीं कंक्लूड करता हूँ। नमस्कार।